चलिए तो अब अपना टॉपिक है सेल ऑफ गुड्स एक्ट को लेकर तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट प्राइमरीली आप जानते हैं यह भी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट ही है बस फर्क ये है हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जहां इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कोई भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट स्पेसिफिकली डील्स ओनली विथ कॉन्ट्रैक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेल परचेज ऑफ गुड्स तो इसलिए सेल ऑफ गुड्स क्या इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स तो वहां पे आप कभी भी डील करते हैं तो केवल सेल परचेज की बात करते हैं आपको बाकी कॉन्ट्रैक्ट से कोई मतलब नहीं होता जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली डील करता है तो इसीलिए आप जानते हैं वंस अपॉन अ टाइम इट यूज टू बी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑल्सो इसलिए जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो एक जमाने में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही हिस्सा होता था लेकिन आज की तारीख में सेल ऑफ गुड्स एक्ट को एक अलग कानून बना के सेल ऑफ गुड्स एक्ट नाइनटीन में पास किया गया था उसकी अगर इफेक्टिव डेट इंप्लीमेंटेशन डेट की आप बात करें तो फर्स्ट ऑफ जुलाई 1930 से अप्लाई हुआ था ये बात हम जानते हैं तो उससे पहले ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही एक पार्ट होता था जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करते हैं तो कुछ बेसिक सी डिस्कशन चार यूनिट्स में बटा हुआ है आपका ये पूरा चैप्टर तो उसके अगर कुछ बेसिक डिस्कशन की अगर हम बात करते हैं सेल ऑफ गुड्स में तो पहला यूनिट आपके पूरे बेसिक नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करते हैं बेसिक नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करें तो कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है क्या गुड्स होता है गुड्स का मतलब क्या होता है करेक्ट ये सारी बातें ये सब हमारा सेल ऑफ गुड्स में डिस्कशन है तो उसमें जब मैटर को हम बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहली बात इसमें जो हम जानते हैं वो है कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट केवल और केवल गुड्स और गुड्स का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी को कवर करता है इसका मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टीज आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ सेल ऑफ गुड्स दूसरी बात जो हम देखते थे वो है सेल ऑफ गुड्स डील्स मोस्टली विथ जनरल ओनरशिप प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप इन गुड्स एंड नॉट विथ स्पेशल ओनरशिप इन गुड्स और तीसरी बात कि जो सेल है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेल से भी होता है और एग्रीमेंट टू सेल से भी होता है दोनों में फर्क क्या होता है वो आप जानते हैं कि सेल में ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर होती है एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होती है तो चाहे सेल हो चाहे एग्रीमेंट टू तो सेल हो दोनों ही ट्रांजेक्शन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर होते हैं लेकिन अगर आप कोई गुड्स को प्लेज कराते हैं या मॉडगेज कराते हैं तो प्लेज मॉडगेज जैसे गुड्स जैसे टर्म सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एसोसिएट नहीं होते तो ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे क्या अप्लाई होता है और क्या अप्लाई नहीं होता सेल ऑफ गुड्स एक्ट की जब हम बात करते हैं तो यू हैव सेलर यू हैव बायर ये दो बेसिक लोग होते हैं सेल ऑफ गुड्स में तो अब इसकी डेफिनेशन जब सबसे सीधा सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे सवाल आता है तो वो सवाल आता है पांच नंबर छह नंबर सात नंबर का लेकिन जब सेल ऑफ गुड्स की बात करते हैं तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे सवाल आता है दो नंबर चार नंबर छ नंबर कुछ एक इंस्टेंसेज है जहां पे सात नंबर का थ्योरी का सवाल आ जाए बट अदर देन दैट दो नंबर के सवाल भी पॉसिबल है जैसे सिंपल से सवाल डिफाइन सेलर डिफाइन बायर ये दो तरीके की डेफिनेशन पूछ ली दो नंबर का सवाल तो अब यहाँ पे कॉमन सेंस या सिंपल सेंस में बात करें तो सेलर कौन होता है बायर कौन होता है तो उसके लिए हमने देखा कि सेलर का मतलब जो सेल करता है वो तो सेलर होता ही है बट वन हु एग्रीज टू सेल उसको भी सेलर बोलते हैं ठीक उसी प्रकार से जो बाय करता है गुड्स को वो तो बायर होता ही है जो एग्री टू बाय करे वो भी बायर होता है तो वही अगर मैं आपको बात करूं याद करो अपन ने कोई नया एग्जाम्पल पे जाने की जरूरत ही नहीं थी अपनी पेन ही काफी है कॉन्टेक्ट करने के लिए तो।, तो मैंने आपको बोला था भैया वुड यू लाइक टू बाय दिस पेन फॉर एट थाउजेंड फोर थाउजेंड तो कॉन्ट्रैक्ट में था ना अभी सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करें तो अब अगर मैं आपको बोलता हूँ वुड यू लाइक टू दिस पेन फॉर लाइकेंड आप बोलते हैं सर yes, क्योंकि ये पेन ऐसी है जिससे आप एक बार में पास हो जाते हैं तो अब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी आप आपसे यस yes कैसे बुलाना है वो मुझे आता है ना तो वुड यू लाइक टू बाई दिस पेन फॉर तो आपने बोला यस yes, सर तो इसका मतलब ये क्या है आई एम द सेलर यू आर द बायर क्योंकि आई एम सेलिंग द गुड्स यू आर बाइंग द गुड्स दिस इज गुड्स करेक्ट

जो सेल करता है और जो बाय करता है वो तो सेलर बायर होता ही है ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है बट वन हु हु एग्रीज एग्रीज टू टू सेल एंड वन बाय ये भी सेलर बायर तो ये नया है डेफिनेशन तो जब सेलर की डेफिनेशन आए तो सेलर की डेफिनेशन आपने लिखनी कैसे कि सेलर की डेफिनेशन क्या होती है और बायर कौन होता है तो सेलर इज डिफाइंड अंडर टू तो सेलर जो होता है वो 213 में डिफाइन किया जाता है और उसमें क्या लिखा होता है सेलर मीन अ पर्सन हु सेल्स वो तो होता ही है बट वन हु एग्रीज टू सेल वो भी होता है ठीक उसी प्रकार से बायर मीन्स अ पर्सन हु हु और वन एग्रीज टू बाय उसको आप बायर बोलते तो ये सिंपल डेफिनेशन है सेलर और बायर की टू वन एंड टू थर्टीन करेक्ट उसके बाद सेलर और बायर जो आपस में डील करते हैं सेल परचेस का वो क्या चीज को लेकर डील करते हैं वो डील करते हैं गुड्स को लेकर तो गुड्स का मतलब एक बेसिक नॉलेज आप जान चुके गुड्स का मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी और जो गुड्स होता है उसको भी डिफाइन किया गया तो जो गुड्स है गुड्स को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन टू सबसेक्शन सेवन तो टू सेवन डिफाइन गुड्स और जब गुड्स की आप डेफिनेशन देखते हैं तो कई चीजों को गुड्स में शामिल किया गया और कई चीजों को गुड्स से बाहर रखा गया जब हम उसकी बात करते हैं तो बेसिकली गुड्स पहले बोला means, तो means पढ़ते ही चेहरे में खुशी आई क्योंकि आप समझे कि ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है सिर्फ जो बोलेगा वो गुड्स है तो गुड्स मीन लेकिन फिर आगे क्या लिखा ऑल काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी तो सारी हंसी गायब हो गई कारण बोले इसका मतलब सिर्फ इतना होगा कितना होगा सब कुछ होगा ये इसका कुछ मतलब है तो गुड्स मीनस ऑल काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी तो आज आप जितनी भी चीज है जो जानते हैं जो मूवेबल इन नेचर है वो सब गुड्स है तो टीवी फ्रिज मोबाइल एसी कैमरा कंप्यूटर कार सब कुछ मूवेबल है इवन दिस पेन मूवेबल तो ये सब चीज क्या है गुड्स है तो गुड्स मीन्स ऑल काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी हावर कुछ चीजों को पर्पजफुली गुड्स से बाहर रखा गया है जैसे कि आप क्योंकि गुड्स मूवेबल है तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडेबल है कि मूवेबल गुड्स नहीं होता तो मतलब चाहे लैंड हो बिल्डिंग हो सेल परचेज तो इनका भी होता है मैं जमीन भी बेचता हूं मैं बिल्डिंग भी बेचता हूं तो अगर मान लो मैंने आपको जमीन बेचने की बात की और बाद में बेचने से मना कर दिया आपने मुझसे जमीन खरीदने की बात की बाद में खरीदने से मना कर दिया कैन आई टेक एक्शन अगेंस्ट यू इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट या क्या मैं रेमेडी एज अ सेलर ले सकता हूँ आपसे इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो अकॉर्डिंग टू लॉ जो मैं आपको बेच रहा हूँ वो तो गुड्स ही नहीं है और जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट में मैं आपको गुड्स ही नहीं दे रहा हूँ तो रेमेडीज कानून में कैसे ले सकता हूं तो नो रेमेडीज विल बी अवेलेबल तो इसलिए इमूवेबल प्रॉपर्टी आर नॉट गुड्स जिसके अंदर आ गए लैंड बिल्डिंग जितने भी रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रीमाइसिस गोडाउन ये जितनी भी चीजें है जो इमूवेबल ही नेचर है ये सब गुड्स नहीं होता लेकिन सवाल है इमूवेबल तो थिंग्स विच आर अटैच टू लैंड वो भी होती है जैसे कि क्रॉप्स अभी क्रॉप्स कहां ग्रो होता है हवे में वो भी तो जमीन में होता है वो मूव होता है तो, तो वही होता है ट्रीज अटैच ट्री ऐसे घूमते रहता है कि आप बैठे इधर ट्री घूम रहा है ऐसा तो नहीं है तो ये भी तो अटैच्ड है तो या नहीं ट्रीज ग्रोइंग क्रॉप ग्रास थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड आप कंफ्यूजन उठा कि मैंने आपको ट्री बेचने की बात करी ग्रास बेचा क्रॉप बेचा तो क्या ये गुड्स है आंसर इज यस इफ दे आर सीवियर्ड तो सीवियर मतलब जब आप इनका कनेक्शन जमीन से तोड़ दे तो अपने आप क्या हो जाता है ये गुड्स बन जाता है तो अभी वो वही पेपर वही ट्री खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया था किसने पेपर बनाने वाली कंपनी ने तो जब पेपर बनाने वाली कंपनी ने ट्री खरीदने बेचने का दिज अ कॉन्ट्रेक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स क्रॉप्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चरिस्ट से किया गया था फार्मर से किया गया था बिजनेसमैन के द्वारा तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स है करेक्ट तो सेल ऑफ गुड्स क्या हुआ तो क्या शामिल होता है गुड्स में और क्या नहीं होता तो इमूवेबल शामिल नहीं होता लेकिन ग्रास ग्रोइंग क्रॉप थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर सीवियर एग्रीड टू बी सीवियर एज द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो वो गुड्स होता है फिर प्राइस मनी 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 गुड्स नहीं होता तो इसीलिए अगर मैं बैंक से लोन लेता हूं पचास लाख का और मैं बोलता हूं आपको इंस्टॉलमेंट में चुकाऊंगा और ऐसे करके अस्सी लाख रुपए चुकाऊंगा तो देखा जाए तो पचास लाख का लोन ले रहा हूं और विद इंटरेस्ट आपको अस्सी लाख चुका रहा हूं तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है मेरे और बैंक के बीच में बट इज इज द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स दिस इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स क्योंकि ये ट्रांजेक्शन इन मनी है मनी गुड्स नहीं होता तो मैंने आपको सौ रुपए दिए बीस बीस के पांच नोट ले लिए क्या ये गुड्स है एक्सचेंज दिस इज नॉट गुड्स तो जब आप ट्रांजेक्शन ऑनली इन मनी करते हैं वो गुड्स नहीं कहलाता लेकिन मैं आपको एंटिक कॉइन बेचता हूँ मैंने बोला ये देखो जब हुमायूं जब आया था ये उस जमाने का कॉइन है करेक्ट ये जवाहरलाल नेहरू जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो ये उस समय जो कॉइन बना था वो कॉइन आज भी मेरे पास आर एंटिक कलेक्शन जिसको किस में रखा जाता है अक्सर म्यूजियम में अब आपको जैसे पता चला आपने बोला सर म्यूजियम के लिए चाहिए हमें मैंने बोला ठीक है ये दस पैसे का सिक्का एक जमाने में दस पैसा पांच पैसा दो पैसा ये सब भी चलता था आपने शायद देखा नहीं देखा आप जाना देखा है उस जमाने के हो हाँ। तो ये भी चलता था तो अब ये सब जब चलता था चवन्नी उसको बोलते थे चवन्नी तो ये सब तो चलते थे आज की तारीख में सब बंद है अब कुछ नहीं चलता लेकिन ये सब क्या है अब एंटीक हो गए जैसे पाँच सौ का नोट हजार का नोट कौन वाला पहले वाला वो अगर मान लो आज भी किसी के पास है हालांकि होना नहीं चाहिए पर अगर निकल जाता है तो आज से 40-50 साल बाद आप भी यही बोलेंगे ना वो देख 2016 से पहले 8 नवंबर रात के 8 बजे से पहले 500 का नोट ऐसा दिखता था अच्छा आप बोलेंगे ना आज से 40 साल बाद तो उस समय वही एंटिक बन जाएगा गवर्नमेंट बोलिए अच्छा तब से अभी तक रखा है

ग्रोइंग क्रॉप ग्रास ट्रीज एनीथिंग अटैच टू लैंड और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर सिवियर और एग्री टू बी सिवियर इंक्लूजन में डाला शेयर एंड स्टॉक्स इंक्लूजन में डाला ऐसे ही ओल्ड रेयर एंटिक कॉइन्स ये सब गुड्स है इसके अलावा गैस वॉटर इलेक्ट्रिसिटी केवल टेंजिबल ही नहीं इनटेंजिबल इन एसेट्स गुडविल पेड एंड ट्रेड मार्क कॉपी राइट ये सब गुड्स है तो क्या गुड्स नहीं है तीन तरीके की चीजें गुड्स नहीं है ऑब्वियसली उनमें से एक तो इमूवेबल है एक मनी है और तीसरा एक्शनेबल क्लेम्स एक्शनेबल क्लेम्स सिंपल सेंस में जब भी किसी चीज पे आपका एक्शनेबल राइट right होता है तो आप उसके खिलाफ क्लेम करके वो पैसा मांगते हैं तो आपने डेटर को टीवी बेची थी टीवी इज गुड्स और उसपे पचास बनता था आपका तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल था लेकिन फिर वो कई समय से पैसा नहीं दे रहा था आपने उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया so तो तो नाउ दिस इज योर एक्शनेबल क्लेम अभी ये जो काम आप कर रहे हैं क्या ये भी गुड्स है एक्शनेबल क्लेम आंसर इज नो किसी को आपने मकान किराए पे दिया था अभी वो कई समय से किराया नहीं दे रहा आपने कोर्ट ऑफ लॉ में उसके खिलाफ एक्शनेबल सूट फाइल कर दिया क्या ये भी गुड्स uh, माना जाएगा नो इज नॉट गुड्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट्स पैसों की लेन देन नो ये, no, ये सब एक्शनेबल क्लेम्स तो अल्टीमेटली ये सब नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट ये सब गुड्स नहीं होते हैं. ये सब गुड्स के दायरे से बाहर होते करेक्ट तो क्या गुड्स होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में टू सबसेक्शन सेवन पर्प फुलिस बताता है तो गुड्स की डेफिनेशन हो गई टू सबसेक्शन सेवन जहां सिंपली बोला गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी एंड इंक्लूड स्टॉक शेयर ग्रोइंग क्रॉस अटैच टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड टू बी सर बिफोर सेल और अंडर कॉन्ट्रेक्ट ऑफ सेल ये पूरी लीगल डेफिनेशन ऑफ द टर्म गुड्स एज डिफाइंड अंडर सेक्शन टू सबसे पूरी गुड्स की आपकी डेफिनेशन होगी बोलो क्लियर अब यानी सेलर देख लिया बायर देख लिया गुड्स देख लिया गुड्स का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी होता है अब ये गुड्स को आप क्या करते हो या तो सेल करते हो या एग्री टू सेल करते हो और अब क्या पड़ जाएगा अगर मैं सेल कर रहा हूँ या एग्री टू सेल कर रहा हूं तो अगर मैं सेल करूंगा दोनों में ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो आज ही हो रहा है लेकिन फर्क क्या है जब मैं कोई चीज सेल करता हूं तो उसमें देर था इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप लेकिन जब मैं कोई चीज एग्री टू सेल करता हूं इसके मतलब ओनरशिप इज ट्रांसफरिंग एट अ फ्यूचर डेट तो यहाँ पे ओनरशिप जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो तुरंत हो रहा है लेकिन ओनरशिप एक में तुरंत ट्रांसफर होती है एक में फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होती है और ओनरशिप का सिग्निफिकेंस क्या है कि कल को रिस्क किसका है उन गुड्स पे कल को वो गुड्स पे कुछ नुकसान हुआ चोरी हुआ डकैती हुआ जल गया तो नुकसान किसका तो 99% केस में जो नॉर्मल हमारा कंसेप्टॉलोज ओनरशिप रिस्क ओनरशिप। फॉलोशिप होता है तो इसलिए इन गुड्स को या तो आप सेल करते हैं या एग्रिंग टू सेल करते हैं तो अगर सेल किया तो यानी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई अब गुड्स बायर का रिस्क बायर का कल को नुकसान हुआ तो बायर का लेकिन अगर मैंने एग्री टू सेल किया था तो भैया ओनरशिप इज टू ट्रांसफर एट अ फ्यूचर डेट रिस्क फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होगा ओनरशिप फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होगी कॉन्ट्रैक्ट भले ही आज हो गया कॉन्ट्रैक्ट हमने आज ही कर लिया था वुड यू लाइक टू बाय दिस पेन फॉर एट थाउजेंड ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया था अगर ये अभी दे दू तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है लेकिन मैं बोलता हूं एक महीने बाद बेचूंगा तो दिस इज एग्रीमेंट टू तो सेल एक महीने बाद मैं आपको बेचने की बात कर रहा हूं एक महीने बाद आप खरीदने की बात कर रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट हमने आज कर लिया लेकिन इसका जो काम है पूरा एग्रीमेंट वो फ्यूचर में होगा एग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर में अब इस एक महीने में अगर इस पेन को कुछ हो गया तो जवाबदारी किसकी है नुकसान किसका आपका कि मेरा नुकसान मेरा क्योंकि आई एम द सेलर और ओनरशिप अभी भी एक महीने तक मेरे पास है इस गुड्स की तो जो ओनर रहेगा बाय डिफॉल्ट नुकसान उसका होता है ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है सेल ऑफ गुड्स एक्ट करेक्ट तो यानी सेल और एग्री टू सेल भी सीख गए अब उसके बाद जब आप ये गुड्स लेते हैं तो अल्टीमेटली जब बायर को गुड्स मिलता है तो बायर गुड्स तो लेता है उसकी ओनरशिप भी लेता है पर ओनरशिप के साथ अब वो गुड्स का कर क्या सकता है तो बायर को भी तो सर्टेन राइट्स मिलेंगे गुड्स तो व्हाट आर द कॉमन राइट्स एंड जो एक बायर एंजॉय करता है तो भैया अगर बायर ने एक बार गुड्स खरीदा तो अब ही कैन सेल द गुड्स एज पर इसकन्वीनियंस मैंने एक बार कोई चीज आपको बेच दी अब आप वो अगर किसी और को बेचो तो मेरे को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं होगी क्योंकि वो गुड्स आपका है अब आपको जिसको बेचना है बेचो तो तभी तो आप बायर बने क्योंकि यू हैव अ राइट टू सेल द गुड्स करेक्ट आप वो गुड्स को यूज कर सकते हैं एज पर योर चॉइस तो वो भी आपका राइट है ऑफ बायर कि आप वो गुड्स को यूज कर सकते हैं आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अभी वो गुड्स आपको डिस्ट्रॉय करना आपका गुड्स है आपने कार खरीदी अभी वो कार में आप मट्टी तेल डालना चाहते हैं आपकी कार है जो करना है करो लेकिन अगर वही मट्टी तेल लेके आप कार के शोरूम में पहुंचे तो कार के शोरूम वाले ने घुसने देना है क्या आपको नहीं क्यों क्योंकि ओनरशिप अभी कार की किसकी है शोरूम वाले की तो शोरूम वाला क्या बोलेगा पहले कार लेके अपने घर जाओ फिर मट्टी तेल से जो करना करो कम पड़ेगा तो मट्टी ओनरशिप आपकी है परचेस कर लिया फिर आप किसी को गिफ्ट देते है मैं बोला यार मैंने तुझे बेचा था तूने गिफ्ट दे दिया तो दिक्कत है लोग तो गिफ्ट को सेल कर देते हैं मैं तो सेल को गिफ्ट कर रहा हूं प्रॉब्लम क्या है उसमें? तो वो तो हो सकता है तो एज बायर You acquire all these rights. ये सारे आपको मिल जाएंगे बायर। उसी को बायर बोलते कई बार मैं ये गुड्स को मॉडगेज रखवाता हूं जैसे मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैंने क्या किया गोल्ड जो मेरे पास पड़ा हुआ था वो बैंक के पास मॉडगेज रखवाया और मैंने बैंक से पैसे लिए अभी सोचो मॉडगेज किसके पास है बैंक के पास है, है। गिरवी प्लेज प्लेच करवाया तो अभी बैंक ने उसके आगे मुझे गोल्ड लोन दिया अब मेरा काम क्या है कि वो लोन मैं बैंक को चुकाऊंगा और बैंक वो गोल्ड मुझे वापस कर देगा यही पूरा प्रोसेस है अभी उसी बीच में क्या होता है एक कस्टमर बैंक के पास आता है अब बोलते है ये गोल्ड अच्छा दिख रहा है और बैंक वाले ने वो गोल्ड उसको भेज दिया तो सवाल है क्या बैंक ये काम कर सकता है कैन बैंक एक्सरसाइज द राइट ऑफ बायर क्या बैंक बायर था मैंने जो बैंक को गोल्ड दिया तो मैं सेलर और बैंक बायर बैंक ने पैसा दिया सोचो सेल परचेज में क्या होता है एक जन पैसा देता है और गुड्स लेके आ जाता है बैंक ने मुझे पैसा दिया और मैंने उसको सोना दे दिया तो क्या बैंक और मेरे बीच में जो डील हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑफ सेल था दिस इज नॉट ट्रांसफर जनरल ओनरशिप दिस इज ट्रांसफर ऑफ स्पेशल ओनरशिप ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज था जो मेरे और बैंक के बीच में हुआ दिस इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और प्लेज ये सब जितने भी स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है ये सब के लिए आपको क्या करना पड़ता है फाउंडेशन पास करना पड़ता है तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में सेल ऑफ गुड्स स्पेशल ओनरशिप को कवर नहीं करता यह केवल जनरल ओनरशिप को कवर करता तो इस इंस्टेंस पे अगर बैंक वाले ने मेरा सोना बेच दिया हेल्ड कल को अगर मैंने बैंक को उसका पैसा लौटा दिया तो बैंक को वो सोना मेरे को लौटाना पड़ेगा अब अगर बैंक ने वो बेच दिया था तो कहीं से भी लेके आए वापस नया सोना खरीद के मेरे को उतना सोना दे या जो बेचा था उसका पैसा मेरे को दे वो एज अ बायर मैं डिसाइड करूंगा पर बैंक के पास ये राइट नहीं था वो गुड्स को बेचने का लेकिन जो बायर होता है उसको ये राइट मिलता बट बैंक वॉज नॉट बायर इन केस करेक्ट तो इसलिए बायर अक्वायर सर्टेन तो सेलर वो गुड्स खुद बेचे कई बार या तो वो खुद बेचता है या दूसरा तरीका कई बार बेचने का क्या होता है कि वो कोई एजेंट को अपॉइंट करवाता है और एजेंट जो है वो सेलर के बिहाफ में गुड्स को बेचता है अब so, एज एजेंट सपोज किसी को एजेंट अपॉइंट किया गया था तो अब एजेंट के क्या राइट है एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ में काम करता है आप जानते हैं ये बिहाफ़ ऑफ़ प्रिंसिपल तो जो भी काम एजेंट ने किया ये समझा जाता है प्रिंसिपल ही करता है करेक्ट जैसे पार्टनरशिप और पार्टनर दोनों के बीच में क्या बना? तो एजेंट का रिलेशन बना तो वैसे यहाँ सेलर या तो खुद गुड बेचता है थ्रू भी कहता है एजेंट अगर बेच रहा है तो एजेंट के राइट क्या क्या है एजेंट कैन सेल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल और तो कल को एजेंट क्या होता है उसको लेके भी सवाल आ जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एजेंट तो एजेंट की डेफिनेशन भी ऐसे आपको मिलती है सेक्शन टू ऐसा दो नंबर का सवाल आ गया कि एजेंट किसको बोले तो एजेंट मींस अ पर्सन हूं कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस है सच एजेंट उस जिसके पास ऑथोरिटी हो क्या चीज की आइदर टू सेल गुड्स और कंसाइन गुड्स और बाय गुड्स और रेस मनी ये सारे राइट जब उसको मिल जाते है. तो ये चार राइट्स एजेंट को मिलते हैं। तो जब कोई व्यक्ति इस गुड्स के खिलाफ ये सब राइट कर तो उसे मर्केंटाइल एजेंट कहा जाता है। बाद, बाद ओनरशिप को लेके मैं ऑलरेडी बता चुका कि ओनरशिप का ट्रांसफर दो तरीके से होता है एक हो ट्रांसफर होता है स्पेशल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप सेल ऑफ गुड्स एक्ट मोस्टली किसको कवर करेगा जनरल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप को करेक्ट सो इट कवर्स जनरल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप जहां पे सेलर कैन सेल गुड्स एंड बायर कैन बाय गुड्स और बायर खरीदने के बाद वो गुड्स को जो करना चाहे वो कर सकता है ये जनरल ओनरशिप इन गुड्स है लेकिन बैंक वाला वो गोल्ड का ओनर तो नहीं बनता है लेकिन कुछ सरकम में उसे ओनर मान लिया जाएगा या बायर मान लिया जाएगा कब जब लोन लेने वाले ने अगर बैंक को लोन नहीं चुकाया तो फिर बैंक अक्वायर द राइट ऑफ एज अ बायर पर ये राइट बैंक को कैसे मिला दीज आर स्पेशल राइट इस बोलते हैं स्पेशल ओनरशिप तो सेलर कैन सेल गुड्स ओनली अंडर स्पेशल सिर्फ स्पेशल पे वो गुड्स को बेचा जा सकता अदरवाइज नहीं बेचा जा सकता कल अगर मुझे भी वो गोल्ड बेचना है मेरा ही चीज है आई हैव अ राइट टू सेल लेकिन अगर मैंने प्लेच किया था तो क्या वो गोल्ड में बेच सकता हूँ किसी को नहीं बैंक बेचने नहीं देगा बैंक बोलेगा पहले हमारा पैसा चुकाओ तभी गोल्ड बेचोगे मैं बोलता ठीक है जिसको बेच रहा हूं वही पैसा तुमको दे देगा तब तो ठीक है तब बैंक परमिट करेगा लेकिन बोलेगा पहले पैसा हमारे पास आना चाहिए तेरे पास नहीं आना चाहिए तो इस केस में ये सब स्पेशल ठीक तो ये ओनरशिप के बारे में भी हमने देख लिया लास्ट बट नॉट द लिस्ट ये सारी चीजें कैसी होनी चाहिए फॉर अ प्राइज होनी चाहिए इसका मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स अप्लाई होना है तो ये ट्रांजेक्शन में प्राइज इन्वॉल्व होना चाहिए

उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स लगेगा क्या आपके मेरे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो सेल ऑफ गुड्स था वो तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्सचेंज था दिस इज सेल ऑफ गुड्स डज नॉट अप्लाई इन द गिवन केस लेकिन मैंने आपको पचास हजार का मोबाइल दिया और बदले में बीस हजार की चीज ली तो दिस इज एक्सचेंज जहां पे पार्ट गुड्स है और पार्ट कैश है तो प्राइस शामिल हो गया ना क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माना जाएगा द आंसर इज इज यस दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल यहां पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई हो जाएगा और अगर कल को ब्रीच हुआ तो रेमेडीज अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपको मिलेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सेम सवाल कभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बन के आता है तो कभी वो सेम सवाल सेल ऑफ गुड्स एक्ट का बन के आएगा क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही हुआ करेक्ट तो इसलिए वो सेम आउटकम तो सेम तो होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी हम वही जवाब देते सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी वही जवाब देते लेकिन जिसका सवाल है आपको अकॉर्डिंग टू दैट जवाब देना पड़ेगा अगर वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट से आए तो एज पर द प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपको बता रहे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और दिस नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और वही चीज अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आता है तो आप बताते हैं एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वैदर इट इज वैलिड और नॉट वैलिड तो वो उसके हिसाब से बताते हैं ठीक बात है तो ये सारे टर्म्स टर्मिनोलॉजी जो थे वो हमने बेसिकली देखे तो जैसे उसी में से प्राइस जो था तो प्राइस क्या है प्राइस मीन्स मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड ये छोटी छोटी डेफिनेशन है तो प्राइस का मतलब मनी कंसिडेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स होता है इट इज वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सप्रेस इन टर्म्स टर्म इज असेंशियल रिक्वायरमेंट टू मेक कॉन्टेक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स तो ये एक बेसिक सी बातें है जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आ जाती है यहां तक की बात है क्लियर बोलो हा कि ना अब उसके बाद यानी आफ्टर गोइंग थ्रू द डेफिनेशन अब हमने देखना था गुड्स भी जो होता है गुड्स के भी अलग अलग प्रकार होते हैं तो गुड्स के जब अलग अलग प्रकार होते हैं तो ब्रॉडली सेल ऑफ गुड्स एक्ट गुड्स को तीन हिस्सों में बांटता है यानी जब आप टाइप्स ऑफ गुड्स की बात करते हैं तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट टाइप ऑफ गुड्स को तीन प्रकार में बांटता है एक होता है एग्जिस्टिंग गुड्स एक होता है फ्यूचर गुड्स और एक होता है कंटिंज गुड्स छह नंबर का सवाल बनता है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स क्लासिफाइड गुड्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो जब ऐसे अगर सवाल आ जाए तो आपने क्या लिखना है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स गुड्स इज डिफाइंड अंडर सेक्शन टू सबसे पहले तो गुड्स की डेफिनेशन लिखो और फिर बताओ द गुड्स में भी ब्रॉडली क्लासिड इन टू थ्री कैटेगरी गुड्स नंबर टू फ्यूचर गुड्स नंबर गुड्स अब तीनों में फर्क क्या एग्जिस्टिंग गुड्स फ्यूचर गुड्स कंटिजेंट गुड्स एक्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग गुड्स किसको बोलते हैं गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस ऐसा गुड्स जो एग्जिस्टेंस में है कब एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फॉर सेल ऑफ पेन पेन दिख रही है ना इट इज इन एग्जिस्टेंस आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और ये पेन का मालिक कौन है वही हूं ना तो आई एम द ओनर देयर ऑफ और किसके पोजेशन में मेरे ही पोजेशन तीनों क्वालिटी मौजूद है ना एग्जिस्टेंस में होना चाहिए ओनरशिप होना चाहिए और पोजेशन होना चाहिए जिन गुड्स में ये तीनों क्वालिटी मौजूद होती है उसी को बोलते हैं एग्जिटिंग गुड्स तो मैं आपको टीवी फ्री जैसी मोबाइल कुछ भी बेच रहा हूं तो सबसे पहले देखोगे ना टीवी फ्री जैसी मोबाइल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं जो टीवी फ्री जैसी मोबाइल मांगा जा रहा है वेदर दे आर इन एग्जिस्टेंस क्या मेरी ओनरशिप है उसकी और क्या वो मेरे पोजेशन पे है जब ये तीनों चीजें होती है इसी को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स अभी मान लो ये पेन एग्जिस्टेंस में है मेरे पोजेशन में भी है पर पेन ही मेरी नहीं है पेन तो किसी और की है मैं आपको बेच सकता हूं ये पेन मैंने आपको पेन बेच दिया आठ में आपने खुशी खुशी पैसा दिया मैं चला गया बताओ क्या हो गया ये ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन हो गया कौन सी इंप्लाइड कंडीशन

पर आप बोले सर जब बनाओगे पहला मोबाइल हमको ही बेचना मैंने बोला ठीक है तो कॉन्ट्रैक्ट तो हमने आज कर लिया ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट था दिस इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स फ्यूचर गुड्स जो भविष्य में बनेगा विचार नॉट इन एग्जिस्टेंस और येट टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड ऐसे गुड्स क्या कहलाते हैं दिस इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ ओ बालक दिस इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स ये क्या बना ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स बना

हमें वाटर बॉटल चाहिए एक हजार पीस बोला एक हजार बोटल का क्या करेगा तू बोले वो गिफ्ट बांटना है सर शादी है घर में फिर ठीक है लेकिन एक हजार मैं लेकर थोड़ी बैठूंगा ठीक है बोल कब तक चाहिए मंगवा दूंगा मैं आपके लिए एक हजार बॉटल मंगवा देता हूं तो एग्जिस्टेंस में है ओनरशिप भी है लेकिन अभी पोजिशन थोड़ी लेकर बैठा हूं मैं हजार बोटल का मतलब गोडाउन में पड़ी है मंगवा दूंगा तेरे लिए कब तक चाहिए बोले एक हफ्ते में चाहिए तो बोला ठीक है पक्का मंगवा रहा हूं तेरे लिए फिर बाद में मना नहीं करना तो कॉन्ट्रैक्ट आज हो गया ना आपके मेरे बीच में पर ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोले कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स आप आए बोले सर हमें बेड बनवाना है मन बोले बहुत सारे बेड पड़े ऐसा नहीं सर हमें ऐसा ऐसा, ऐसा बेड बनवाना है तो आपने एक स्पेसिफिकेशन बनवा बोला ठीक है बनवा देता हूँ एक लाख रुपए लगेगा तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ येट टू बी येट टू बी मैन्यूफेक्चर या नॉट इन पोजेशन तो कोई भी क्वालिटी अगर मिसिंग हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल गुड्सर गुड्स लेकिन कई बार आप जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फॉर सेल ऑफ कंटिजेंट गुड्स नाउ कंटिजेंट गुड्स क्या हो रहे हैं ऐसे गुड्स जो मैं आपको दूंगा कि नहीं दूंगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कोई इवेंट होगा कि नहीं होगा याद करिए अपना एग्जाम्पल अगर शिप आएगी तो उस शिप में जो 50 टीवी है वो 50 टीवी मैं आपको बेच दूंगा तो तो और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है है फॉर सेल ऑफ टीवी टीवी गुड्स तो यहां पे टीवी है। लेकिन मैं आपको टीवी दूंगा कि नहीं दूंगा ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है शिप के आने या ना आने पे। अगर शिप आएगी तो मैं तेरे को पचास टीवी दे दूंगा शिप नहीं आए तो तू क्या कर सकता है और मैं क्या कर सकता दोनों ही कुछ नहीं कर सकते तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपके मेरे बीच में दिस इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ कंटिजेंट गुड्स कंटिंजेंसी जहां कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है ऑन कंटिंजेंसी ऑफ एन इवेंट जैसे कॉन्ट्रैक्ट भी तो दो होते थे एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता था और एक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता था तो वैसे ही गुड्स भी तीन होते हैं तो एक होता है एग्जिस्टिंग गुड्स एक होता है फ्यूचर uh, गुड्स uh, और एक होता है कंटींजेंट गुड्स तो कंटिजेंट गुड्स क्या गुड्स विच आर नॉट इन एक्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ सेल टीवी कहाँ है अभी टीवी तो आ रही है ऑस्ट्रेलिया से उस शिप में on or non of और वो फ्यूचर इवेंट है जैसे अपने एग्जाम्पल में शिप का आना तो so, अगर शिप आएगी event, तो मैं तुझे टीवी दूंगा वरना नहीं दूंगा so, वो कॉन्ट्रेक्ट वहीं पर खत्म हो जाएगा अगर शिप नहीं आई तो करेक्ट तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ कंटिजेंट फर्क क्या पड़ जाएगा कि गुड्स एग्जिस्टिंग है कि फ्यूचर है कि कंटिजेंट है बड़ा सिंपल सा लॉजिक है अगर गुड्स एग्जिस्टिंग होते हैं तो ज्यादातर केस में एग्जिस्टिंग गुड्स है एग्जिस्टेंट में ओनरशिप पे है ओनरशिप मोस्ट ऑफ द केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है लेकिन अगर वो फ्यूचर गुड्स है या वो कंटिजेंट गुड्स है तो दिस इज जस्ट एन एग्रीमेंट टू सेल एग्रीमेंट टू सेल है वो सेल नहीं है ठीक है इस साल मेरे फार्म में जितने भी ऑरेंजेस ग्रोहोंगे सब बेचूंगा तेरे को तो यह एग्रीमेंट टू सेल है ना भविष्य में कितने ऑरेंजल ग्रोहोंगे ना तुझे पता ना मुझे पता तो अगर ऐसे कोई इंस्टेंसेज हो जाए तो

तो आए थे अभी बाू ने क्या करना था वीट खरीदना था पर वीट जो खरीदना है अब आप जानते हैं इंडिया में नॉर्मल प्रैक्टिस होती है कि पूरे साल भर का वीट एक साथ खरीद के रख लो स्टोर करके मोस्ट हाउस होल्ड की प्रैक्टिस है तो वो एक साथ खरीदने से पहले बाहू ने सैंपल चेक करना चाहा ना तो अब वो दस दुकान गए थे दस दुकानों से सैंपल सेलेक्ट लिया सब दुकानदारों का नंबर लिया फिर उसमें से जो सैंपल ठीक लगा भाजी वो दुकानदार के पास गए बोले भैया ये वाला जो सैंपल है

कौन सी पचास किलोवीट है को बता बता कहां रखी भी अपनी। अभी वो क्या करना है वो तो बोरिया निकलवानी है तो बोला, ये, ये, ये वाली बोरी निकाल ये बोरी निकालिए नहीं उसको छोड़ दे वो खराब है वो छोड़ो वो छोड़ उसको वहां ये दूसरी वाली निकाल तो किस तरीके से परचेजिंग हो रहा है ये जो कॉन्ट्रैक्ट है दिस इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स जहां पे गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड बताओ बाबूजी ने आइडेंटिफाई किया कौन सी बोरियां खरीदनी है आपने आइडेंटिफाई किया ब्लैक कलर का आईफोन 12 चाहिए पीली कार चाहिए लाल कार चाहिए यू आर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड तो गुड्स विच आर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ सेल एंड एग्रीड अपॉन क्योंकि अब दुकानदार को भी पता है कि बाबूजी की कौन सी पचास बोरियां है और बाबूजी को भी पता है उनकी कौन सी पचास बोरियां है आपको भी पता है कि आईफोन ट्वेल्व तो वो दुकानदार के पास सौ थे पर उसमें अब आपका वाला कौन सा है आप अलग कर लिए ये वाला मेरा है मैं खरीद रहा नाउ यू नो योर सो गुड्स आर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल इसको बोला जाता है सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स पर हमेशा ट्रांजैक्शन सेल परचेज का ऐसे ही होगा ये गारंटीड नहीं है या जरूरी नहीं है जैसे बाबूजी इतने फ्री थोड़ी थे कि तू पचास बोरी निकालता रहेगा तब तक बाबूजी बैठे रहेंगे बाबूजी क्या बोलते हैं भैया ये, ये वाला वीट आना चाहिए दुकानदार बोलते ठीक है भाजी आप जाओ कहाँ भेजवाना है ये मेरा एड्रेस है भेजवा देना दुकानदार बोलते ठीक है शाम तक मैं आपकी बोरिया निकलवाता हूँ और रात को ट्रक रवाना कर दूंगा बोल के चले गए कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल परचेस जहां दुकानदार ने 50 किलो वीट बेचनी है भाजी ने 50 किलो वीट खरीदनी है लेकिन अभी उसके गोडाउन में पूरी वीट तो ऐसी की ऐसी पड़ी है ना उसके में खाली पचास किलो वीटी थोड़ी है उसके बाद पूरा एक रैक पड़ा है वो रैक में सब बोरियां पड़ी हुई है अब उसमें कौन सी पचास किलो भाजी है ना ना को को पता ना, दुकान को पता दुकानदार लेकिन ऑफ सेल तो हो गया गुड्स एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस में में है ओनरशिप है दुकानदार के पास ओनरशिप भी है पोजेशन में है तीनों क्वालिटी तो मौजूद है तो ये गुड्स एग्जिस्टिंग है लेकिन एग्जिस्टिंग में कैसे वाले क्या इसमें आप ये बता सकते हैं भाजी की पचास बोरी कौन सी है नहीं

अभी ब्लैक कलर का आईफोन ट्वेल्व दुकानदार के पास पचास पीस था तो उसमें आपका कौन सा है अगर आप वो लॉर्ट से अलग करा देते दे, तो आप स्पेसिफिकली आप जानते हो कि ये वाला फोन आपका है लेकिन आपने बस दुकानदार को बोला ब्लैक कलर का आईफोन फोन ट्वेल्व देना दुकानदार बोलता है ये सौ पीस है अरे कोई भी दो भैया अभी मैं निकल रहा हूं बाद में दे देना तो दुकानदार बोला ठीक है एक पीस भेज दूंगा तो अब ये क्या है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स क्वालिटी तो तीनों मौजूद थी ओनरशिप पोजिशन कंट्रोल वो तीनों चीजें थी लेकिन उसके बावजूद क्यों क्योंकि लॉट आपने उसको सेपरेट नहीं किया अब क्या फर्क पड़ जाएगा सेपरेट करूं कि नहीं करूँ फर्क तो तब पड़ेगा जब बाबूजी ऑर्डर देके चले गए पचास बोरियां वीट की उसके दुकान में गोडाउन में सौ बोरियां पड़ी है उधर बाबूजी गए और इधर गोडाउन में आग लगी और आग लगने से सत्तर बोरियां जल के खाक हो गई दुकानदार फोन करके बोलता बधाई हो आपकी पचास बोरियां जल गई क्वेश्चन है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नुकसान किसका तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो रूल है जो मालिक है नुकसान उसका तो सवाल ये था वो बोरियो का मालिक कौन है तो इस केस में क्योंकि गुड्स वर नॉट आइडेंटिफाइड एंड सेपरेटेड फ्रॉम द लॉट तो वो है

अभी तो गुड्स गुड्साना सर्टेन है फिर शाम को वो दुकानदार ने क्या किया होगा चल छोटू छोटूआ बा की पचास बोलिया निकाल भिजवानी थी सुबह बोला था ना को ऐसे दस बाबूजीओ से ऑर्डर लेकर रखा है तो अब सब बाहूजियों का गुड्स निकालेगा ना वो और सबको भेजेगा तो नाव ये क्या हो रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स जो है उस समय जो अ, अलग नहीं किए गए थे नाउ दे आर आइडेंटिफाइड एंड सेपरेटेड फ्रॉम द लॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल और डिस्क्रिप्शन बट ये काम कब हो रहा है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो फर्क देखो स्पेसिफिक गुड्स और गुड्स में फर्क सिर्फ छोटा सा है जब वो काम जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा था उसी वक्त हो जाए दिस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स जब वही काम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कभी और हुआ लेकिन आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल गुड्स को आइडेंटिफाई करके लॉट से सेपरेट किया जा रहा है बाबू तो बस सैंपल देकर चले गए थे भैया तो ये वाला सैंपल आना चाहिए मेरे घर कोई दूसरा सैंपल आया छोड़ूंगा नहीं तेरे को अब तो वो दुकानदार ने क्या किया शाम को वो सैंपल लेकर बैठा छोटू दे के कौन सा सैंपल था निकाल बाबू की पचास बोरियां अभी वो छोटू ने खोदना है अपने गोडाउन में कि कौन से सैंपल से ये कौन से बोरियो से सैंपल दिया गया था और फिर वो पचास बोरियां अलग करनी है तो नाउ दे आर आइडेंटिफाइड एंड सेपरेटेड फ्रॉम द लॉट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो अब ये गुड्स अन से असर्टेन बने और जब अन से असर्टेन हुए अब छोटू को क्या काम करना है

सिंपल सी बात है एग्जिस्टिंग गुड्ड जो होता है वो स्पेसिफिक भी हो सकता है अन भी हो सकता है असरटेन भी हो सकता है छह नंबर का सवाल आ आया ये तीनों के बारे में लिखना पड़ेगा तो स्पेसिफिक गुड्स कुछ को गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ सेल एंड एग्रीड अपॉन एंड सेपरेटेड फ्रॉम द लॉट उसको बोलते हैं आप स्पेसिफिक गुड्स अन गुड्स गुड्स आर डिफाइंड बाय सैंपल डिस्क्रिप्शन एट टाइम ऑफ सेल बट आर नॉट सेपरेटेड और आइडेंटिफाइड फ्रॉम द लॉट एट द टाइम ऑफ सेल

एग्जिस्टिंग गुड्स में स्पेसिफिक और असरटेन गुड्स अगर हो गए तो तो ओनरशिप बाहर की है अगर गुड्स अन है तो ओनरशिप बाहर की नहीं होती ओनरशिप सेलर की होती दिस द कॉन्सिक्वेंस ठीक अब गुड्स का सेल होना एक चीज होता है लेकिन उसकी डिलीवरी होना तो दूसरी चीज होता है जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप पढ़ते थे तो कॉन्ट्रैक्ट करना एक बात है फिर उसका परफॉर्मेंस भी तो करना है तो जरूरी थोड़ी है जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट करोगे परफॉर्मेंस उसी दिन होगा एक तारीख को कॉन्ट्रैक्ट किया था दस तारीख को गाना गाना था तो दोनों अलग चीज है तो एक यूनिट आपको बताता था कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं फिर एक यूनिट बताता था कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है कि नहीं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे यहां पे गुड्स में ओनरशिप ट्रांसफर करना नहीं करना है, ये एक बात होती है लेकिन गुड्स भी तो देना अभी गुड्स का है मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया वुड यू लाइक टू तो बाई दिस पेन फॉर एट थाउजेंड आपने येस बोल दिया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो आपके मेरे बीच में हो गया लेकिन अभी ये पेन भी तो देना मैंने आपको तो डिलीवरी ऑफ गुड्स भी तो होना अभी डिलीवरी कितने प्रकार का होता तो डिलीवरी ऑफ गुड्स भी तीन प्रकार का जैसे गुड्स तीन प्रकार का होता है वैसे डिलीवरी ऑफ गुड्स भी तीन प्रकार का होता है एक होता है एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स एक होता कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स और एक होता है सिम्बॉलिक डिलीवरी ऑफ गुड्स ये तीन प्रकार के डिलीवरी ऑफ गुड्स होते हैं एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स बड़ा सिंपल वेन द गुड्स आर एक्चुअली डिलीवर्ड टू द पर्सन और एनी पर्सन ऑथोराइज दैट पर्सन ऑन हिस तो जब उसको गुड डिलीवर किया जाता है तो माना जाता है एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स हो गए एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स तो एक्चुअल डिलीवरी का मतलब ये नहीं होता कि सैलर नहीं गुड्स बायर को देने सेलर जो है वो गुड्स या तो बाहर को दे या बाहर के द्वारा बताए गए किसी व्यक्ति को दे तो माना जाएगा कि एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स हो चुकी है अभी तो मान लो अमेजोन से आपका कोई पार्सल आ रहा था अभी अमेजोन से पार्सल आ रहा था आप तो क्लास में बैठे हो अभी अमेजॉन आपके घर में बैठा है अब वो फोन करता है सर आपका एक पार्सल आया और एक और इधर अमेजोन का फोन आया उधर अमेजॉन का फोन आया अमेजॉन ने बोला बेटा पार्सल आया अमेजॉन ने बोला सर आपका पार्सल आया दोनों एक ही साथ फोन कर रहे हैं तो आपने अमेजॉन को बोला पार्सल अमेजन को दे दे अब अमेजोन ने पार्सल अमेजोन को दे दिया सवाल है क्या गुड्स डिलीवर हुए कि नहीं हुए एक्चुअल डिलीवरी अब बाद में आप सेलर को बोलते तूने तो गुड्स ही नहीं दिया तो क्या ये डिलीवरी ऑफ गुड्स माना माना जाएगा जाएगा कि नहीं दिस इज एक्चुअल डिलीवरी तो एक्चुअल डिलीवरी का मतलब बायर को ही दिया जाए जरूरी नहीं है बायर या बायर के द्वारा बताया गया किसी भी व्यक्ति को गुड्स दैट इज एक्चुअल डिलीवरी ऑफकोर्स लेकिन कई बार गुड्स को आप एक्चुअली डिलीवर तो बाद में करते हैं पहले सिंबोलिकली डिलीवर कर देते हैं जैसे कि आप शोरूम में कार खरीदने गए थे तो कार तो आपको बाद में मिलती है पहले शोरूम वाला इधर आइए सर इधर आइए फटाफट इधर आइए फोटो खिंचवानी है पकड़िए चाबी पकड़िए तो आपको चाबी पकड़वाई और फोटो खिंचवा दी और चाबी क्या है सिंबल इस बात का कि ये कार तेरे को मिल गई कार की डिलीवरी हो गई एक सिंबॉलिक डिलीवरी कि हमने आपको गुड डिलीवर कर दिया अभी आप शोरूम में क्या चाबी खरीदने गए थे नहीं पर वो चाबी क्या सिग्निफाई कर रहा है वो सिंबलाइज कर रहा है कि चाबी मिली मतलब कार तेरे को दे दी गई है तो मान लिया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो काम होना था वो काम हो गया है. तो इसलिए वो तो दिखाने के लिए आपको वो बड़ी चाबी उस वक्त देते हैं लेकिन फिर आप बोलते ना ये बड़ी चाबी से कार कैसे खोलू छोटी वाली चाबी तो छोटी चाबी जब मिली सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ गुड्स हो चुका है आपको वैसे ही जब आप गुड्स मंगवाते हैं अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने टीवी मंगा रहे हो अभी सौ टीवी मुंबई से रायपुर आना है अभी तो जो, जो मुंबई से निकला होगा एक दिन रायपुर पहुंचेगा चार दिन में अब चार दिन बाद जब गुड्स पहुंचेगा तो सवाल है एक्चुअल डिलीवरी तो चार दिन बाद होगी लेकिन सिंबॉलिकली जैसे ही गुड्स उसकी फैक्ट्री से निकला ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गई कैसे क्योंकि उसने बिल बना दिया होगा सौ टीवी का आपके नाम पे तो जैसे ही बिल बना ओनरशिप ट्रांसफर अब मान लो रास्ते में टीवी है चोरी हो गया टूट गया फूट गया नुकसान किसका तो जो ओनर है अभी ओनर कौन है बायर तो बायर का नुकसान बायर बोला लेकिन मुझे डिलीवरी तो मिली नहीं तो सेलर ने क्या बोलना है भैया जैसे ही मेरे फैक्ट्री से टीवी निकला था मैंने आपको एक कंसाइनमेंट नोट भेजा था भैया इस ट्रक में आपकी सौ टीवी भेज रहा हूँ तो जो मैंने आपको कंसाइनमेंट नोट दिया था वो क्या था डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल तो इससे क्या हो गया एक तरीके से सिम्बॉलिक डिलीवरी हो गई है आपको तो कंसाइनमेंट नोट आपके पास है वो सिंबलाइज कर रहा है कि आपको टीवी डिलीवर हो गई अब जब टीवी आएगी आपको छोटा सा काम करना था वो ट्रक वाले को वो कंसाइनमेंट नोट की कॉपी दिखाते ट्रक वाला आपको पूरी सॉर्ट टीवी देके चला जाता वो एक्चुअल डिलीवरी होता ये कंसाइनमेंट नोट वही चीज अगर रेलवे में आती तो रेलवे रिसिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते तो बिल ऑफ एंट्री वार फिंगर सर्टिफिकेट वेयर हाउस सर्टिफिकेट ऐसे अलग अलग नाम होते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल तो अगर ये सब आपके पास है तो इसका मतलब सिम्बॉलिकली गुड्स आपको डिलीवर हो गए अब तो बस उनका एक्चुअल लेना फॉर्मेलिटी का होना बाकी रिसीव्ड बट थ्रू ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इट इज सिंबोलाइज दैट द गुडर्ड टू पार्टी कंसर्न उसको बोलते हैं सिम्बॉलिक डिलीवरी लेकिन कई बार ऐसी डिलीवरी जो ना एक्चुअल हो ना सिंबॉलिक हो लेकिन फिर भी डिलीवरी है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी तीसरी प्रकार की डिलीवरी तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी किसको बोला जाता है अभी मान लीजिए आप वही शोरूम वाले से कार खरीदने गए थे अभी आपको जो कार खरीदना था फॉर एग्जाम्पल आप एक कार देखे कार आपको पसंद आई शोरूम में पर वो कार काली कलर की थी आप बोले काली कार की जगह आपको लाल कार लाल कार चाहिए मेरे को लाल कार तो बोले ठीक है सर एक मिनट पता करते हैं अभी उसने अपने वेयर हाउस में फोन किया गोडाउन में फोन किया बोले लाल कार पड़ी है ये वाले मॉडल की बोले हाँ सर पड़ी है तो तुरंत शोरूम वाले ने बोला हाँ सर वो लाल कार है लेकिन शोरूम में नहीं है वो अपने वेयर हाउस में पड़ी हुई है यहां से दस किलोमीटर दूर कहा लेना पड़ेगा पर कार है तो बोले ठीक है मैं देखना चाहता हूँ बोले अभी इसको क्या देखना चाहता है जब कार वही है तो क्या देखना चाहता है देखना चाहता है तो दस किलोमीटर दूर है जाके देख के आ बोले नहीं ठीक है डन दस किलोमीटर दूर जाके देख के कौन आएगा तो डन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया Correct? अब contract of sale हुआ, अब आपको बोला गया भैया ये सेल है पैसा दे दो कार आपको वहां से मिलेगी आप जाना वेयर हाउस कीपर है उसको ये पेपर दिखाना वो आपको कार दे देगा अब आपका काम था जाके कार की डिलीवरी लेना

वेयर हाउस कीपर वो कार को रखता था एज अ एजेंट ऑफ सेलर लेकिन अब वो चार दिन वो कार को कैसे रखेगा एज एजेंट ऑफ बायर जहां पे पोजेशन ऑफ गुड्स ट्रांसफर नहीं होता पोजेशन कल भी वेयर हाउस कीपर के पास था आज भी वेयर हाउस कीपर के पास है लेकिन फर्क क्या है कल तक वो एज अ एजेंट ऑफ सेलर रखता था चार दिन से एज अ एजेंट ऑफ बायर रख रहा है तो इसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स जहां पे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई है गुड्स की बायर को और इसका कॉन्सिक्वेंस अगर इसी चार दिन पे उस गोडाउन पे आग लग गई और आग लगने से वो लाल वाली कार, का। तो कार लीज नहीं है कार तो लेने आ रहा हूं मैं तो क्या सेलर ने उसको कार देनी है सल तो बोलेगा का, कार दूंगा तो पैसे भी वापस दे क्योंकि तो ये दूसरी कार है जो तू खरीद रहा है मेरे से पहली कार तो बेच चुका तो इसका मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है रिस्क ट्रांसफर हो चुका है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स हो चुका है तो so, इसलिए नुकसान बाहर का होगा इसके तो दैट इज ऑल अबाउट डिलीवरी ऑफ गुड्स तो ये टॉपिक आपका डिलीवरी ऑफ गुड्स को लेकर था आप डिलीवरी ऑफ गुड्स और डिलीवरेबल स्टेट गुड्स का डिलीवरेबल स्टेट में रहना भी जरूरी है डिलीवरी ऑफ गुड्स जितना जरूरी है उतना ही गुड्स का डिलीवरेबल स्टेट में भी रहना जरूरी है कारण क्योंकि जब तक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आएंगे तब तक आप वो गुड्स को ट्रांसफर कैसे करोगे तो मान लो वो 50 किलो वीट बेचने की बात तो किए थे लेकिन वो 50 किलो वीट अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में ही नहीं होंगे तो आप एज अ बायर वो गुड्स लेके कैसे जाएंगे तो जब वो दुकानदार को हमने कॉन्टेक्ट किया कि भैया आपसे 50 किलो वीट लेना है दुकानदार बोलता है ठीक है भैया 50 किलो वीट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल परचेज कर लेते हैं लेकिन जब जाके देखा तो वो पचास किलो पड़े कैसे थे पूरे कमरे में बिखरे मोरियो में ही नहीं बने हुए ने अभी ना मैं ये गुड एग्जिस्टेंस में ओनरशिप है पोजेशन है सब कुछ है भाजी क्या बोले एक एक दाना बैठ कर छाटू मैं यहाँ अभी काम होना बाकी था ना कुछ काम ऐसा होना बाकी है जिससे अभी वो गुड डिलीवरेबल स्टेट में आएगा

उंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी मना नहीं कर सकते बाहू जी कब मना कर सकते थे ओपन कौन लेकर जाएगा पचास किलो जब तक तू बोरी में पैक नहीं करेगा मैं लेकर नहीं जाऊंगा तब तक बाबू जी बोल सकते थे लेकिन एक बार दुकानदार ने वो काम कर दिया फिर बाबू जी बोल सकते नहीं क्योंकि गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट ऑफ करेक्ट तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी इसके अलावा फर्स्ट यूनिट में कुछ ऐसे डिफरेंसेज है जैसे की डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल ये हम दोनों चीजें देख चुके हैं कि जहां सेल में ओनरशिप इमीडिएट ट्रांसफर होती है एग्रीमेंट में ओनरशिप जो है फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होती है अगर कॉन्ट्रैक्ट के टाइप के हिसाब से डिसाइड करें तो जहां कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में इमीडिएट ट्रांसफर के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट चुक, एग्जीक्यूट हो चुका होता है तो एग्रीमेंट टू सेल में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जीक्यूटरी होता है क्योंकि फ्यूचर में वो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस होना बाकी रहता है रेमिडीज फॉर ब्रीच कल को अगर ब्रीच हुआ तो सेल के केस में आप एंटाइटल करेंगे प्राइस क्लेम करने का और अगर नुकसान हुआ तो उसका डैमेजेस लेकिन एग्रीमेंट टू तो सेल में आप प्राइस क्लेम नहीं करते केवल अगर उसकी वजह से कुछ नुकसान है कॉन्ट्रैक्ट के नॉन परफॉर्मेंस है तो आप ब्रीच क्लेम करते हैं मतलब डैमेजेस क्लेम करते हैं तो यू यूर राइट टू क्लेम डैमेजेस ओनली आप प्राइस क्लेम नहीं कर सकते करेक्ट पार्टीज की लाइबिलिटीज तो अगर मान लो अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल था तो सेलर ने बायर को भेज दिया था अब अगर वो गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ तो नुकसान किसका बायर का लाइबिलिटी किसकी बाहर की लेकिन एग्रीमेंट टू सेल हजार वाटर बॉटल मंगवाया था अभी दुकान में पड़े पड़े आग लग गया हजार वाटर बॉटल जल गई नुकसान किसका सेलर का seller का क्योंकि बायर का अभी तक टाइटल ट्रांसफर ही नहीं हुआ था ट्रांसफर तो फ्यूचर डेट में होना था Correct? तो रिस्क रिस्क किसका होता है तो रिस्क हमारा बाय डिफॉल्ट वही है रिस्क ओनरशिप है तो बायर होना था इसे रिस्क बायर का एग्रीमेंट टू सेल में रिस्क किसका होता है रिस्क सेलर का होता है नेचर ऑफ राइट्स तो अक्सर सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या एग्रीमेंट ऑफ सेल नेचर ऑफ राइट क्या होता है तो जहां सेल में यू गेट जस्ट इन रेम एग्रीमेंट टू सेल में यू गेट जस्ट इन अगेन ये एक राइट right था जो मिलता just in मतलब राइट अगेंस्ट द इंटायर वर्ल्ड तो जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है तो आपका राइट right मिल जाता है वो गुड्स के अगेंस्ट में अगेंस्ट द दर वर्ल्ड यानी कोई भी व्यक्ति आपको वो गुड्स को आप जैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके वैसा इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकता यू हैव अ राइट अगेंस्ट द दर वर्ल्ड करेक्ट लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में यू हैव द राइट जस्ट अगेंस्ट द पर्सन बट नॉट अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड आपको बस वो राइट केवल उस पर्सन के अगेंस्ट में मिलता है पूरी दुनिया के खिलाफ आपको वो राइट नहीं मिलता दैट इज जस्ट जस्ट इन इन पर्सन करेक्ट फिर इंसॉल्वेंसी इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑफ सेलर और बायर ये एक मिलताओ है कि अगर सेलर इंसॉल्वमेंट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में या एग्रीमेंट टू सेल में तो क्या होगा और अगर बायर इंसॉलमेंट हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और एग्रीमेंट ऑफ सेल में तो क्या होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल था और सेलर इंसॉल्वेंट हो गया तो है, क्या वो आपके पास आके टीवी मांग सकता है आप मांग ही नहीं सकते कैन यू हैव कंट्रोल ओवर द आंसर इज नो पर आपका राइट क्या है एज अ सेलर पैसा मांगना पर सेलर अगर इंस्टॉलमेंट हो गया है तो ऑफिशियल असाइनी जो होता है वो क्या कर सकता है वो बायर से पैसा तो मांग सकता है तो

तो कंट्रोल ओवर गुड्स किसका रहेगा सेलर या उसका ऑफिशियल असाइनी का रहेगा और जब सेलर का कंट्रोल ओवर गुड रहेगा तो क्या बायर उसका पैसा देगा फिर नहीं देगा सीधी सी बात है लेकिन उल्टा अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ था मैंने आपको टीवी दी अभी बायर इंसॉल्वेंट हो गया ऑफिशियल असाइनी ऑफ बायर वो उसका क्या राइट है कि वो टीवी अपने पास रख सकता है पर पैसे देने पड़ेंगे उसको टीवी के अब पैसे कितने देगा तो ऑब्वियसली जितना का है उसके से पैसे देगा। लेकिन सेल था। सेल में बायर हो गया जिसने हजार वाटर बॉटल का ऑर्डर दिया था वो इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका ऑफिशियल दुकानदार से सौ वाटर बॉटल लेके आ सकते है? हजार वॉटर बोटल दो देना ही पड़ेगा सेलर तुरंत पैसे दे तो बॉटल दूंगा वरना भूल पता चल चुका बायर इंस्टॉलमेंट हो गए अगर मैंने बोटल दे दी तो बॉटल से भी जाऊंगा पैसों से भी जाऊंगा इसलिए बॉटल तो मैं रखूंगा तो यानी कंट्रोल ओवर गुड्स कौन रखता है सेलर बायर और उसके ऑफिशियल असाइनी को वो गुड्स की डिलीवरी नहीं मिलती ठीक तो वैसे ही सेल को दूसरे छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट से कंपेयर किया जैसे कि सेल और हायर परचेज दोनों में फर्क जहां सेल में इमीडिएट ट्रांसफर ओनरशिप हुआ हायर परचेज में जब आप इंस्टॉलमेंट वेस्टते तो ओनरशिप ट्रांसफर होती है लास्ट डेट में आपको पता है लास्ट इंस्टॉलमेंट में करेक्ट तो इसका मतलब शुरू में ही सेल में बायर ओनर बन जाता है लेकिन हायर परचेज में लास्ट मोमेंट पे वो ओनर बनता है जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट दे अगर आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं दी गई तो अगर सेल में पैसा नहीं दिया जाता तो क्या सेलर गुड्स ला सकता है वापस नहीं सेलर का राइट केवल प्राइस मांगने का है लेकिन हायर परचेज में अगर हायर परचेजर ने पैसे नहीं दिए तो हायर जिसने ट्रैक्टर हायर परचेज में बेचा था उसका राइट क्या है क्या वो ट्रैक्टर ला सकता है कि नहीं वापस द आंसर इज यस तो यानी वो गुड्स को वापस मांग सकता है इन केस ऑफ हायर परचेज ये एक बेसिक डिस्टिंक्शन है बिटवीन सेल एंड हायर परचेज तो वैसे ही सेल और बेलमेंट ये सबका छोटा छोटा कंपेरिजन है सेल का विद अदर तो बेलमेंट बेलमेंट में में ऑफ भी आपको ओनरशिप नहीं मिलती ये सब स्पेशल ट्रांसफर है जस्ट लाइक like, uh, टेलर तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या है आपने टेलर को कुछ कपड़े दिए थे सीलने के लिए तो क्या कपड़ा कपड़ों का मालिक टेलर हो जाता है टेलर का, का काम क्या था वो कपड़े सील के वापस लौटाना और उसके लिए जो पैसे थे वो पैसे लेना उसकी स्पेशल ओनरशिप कब आती है अगर मैं उसको उसके पैसे ना दू तब तब वो कपड़ा अपने पास रख सकता है बट इन जनरल क्या वो कपड़ा अपने पास रख सकता है और क्या वो कपड़े को बेच सकता है किसी और को आंसर इज नो ये उसका राइट right. नहीं होता ठीक लास्ट बट नॉट द लीस्ट केस इसका जो था सेक्शन सिक्स तो हम पूरा डिस्कस कर ही चुके हैं सेक्शन सिक्स में जो हमने डिस्कशन किया था उसमें तो हमने यही देखा था कि अगर सेल एग्जिस्टिंग गुड्स है और फ्यूचर गुड्स रहे और कंटीजेंट गुड्स है तो क्या होगा लेकिन उसके अलावा सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अब वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वैलिड था कि वॉइड था ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता तो सेक्शन सेवन एंड सेक्शन एट अगर सेक्शन सेवन में मान लो गुड्स आर पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान लो जब कॉन्ट्रैक्ट किया उससे पहले ही गुड्स पेरिश हो गए थे कॉन्ट्रैक्ट था फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स तो जो गुड्स थे वो स्पेसिफिक थे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से पहले वो गुड्स पेरिश हो गए थे याद करो मुझे जानकारी नहीं थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने आपको हॉर्स बेचने की बात कर दी थी अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि हॉर्स वॉज डेड लास्ट, लास्ट डे ओनली पिछली रात को ही हॉर्स की डेथ हो गई थी और मैंने आपको हॉर्स बेचने का कर दिया था क्या वो वैलिड कॉन्ट्रेक्ट था आंसर इज नो मैंने क्या बोला गलती से मिस्टेक हो गया और जब मिस्टेक होता है तो कॉन्ट्रेक्ट का नेचर क्या होता है वॉइड इज कि भैया मैंने आपके साथ कॉन्ट्रेक्ट किया था फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स लेकिन वो सब्जेक्ट मैटर जो गुड्स था वो गुड्स ही एग्जिस्टेंस में नहीं रहा उससे पहले कुछ ऐसा हो गया जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको 50 बोरिया वही वीड बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था क्योंकि मुझे ध्यान है मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है जैसे ही पचास बोरिया वीट बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया बाद में बोले चलो गोडाउन खोलो अभी गोडाउन खोला गर्मी के सीजन में बारिश कैसे हो रही है तो पता चला तो पूरे गोडाउन में पानी भर गया था जिसके कारण वो सारी बोरिया सर, बोरिया सड़ चुकी थी बट मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी पर कॉन्ट्रैक्ट तो किया था मैंने बोरिया बेचने का अब क्या हुआ क्या भाजी मेरे खिलाफ एक्शन ले सकते मैंने बोला भाजी मेरी क्या गलती इसमें मेरे को जान जान पूछ के तो नहीं क्या

कॉन्ट्रैक्ट किया उसके बाद शिप डूब गई तो इम्पोसिबल टू परफॉर्म हो गया तो ये सब इंस्टेंसिस इंडिकेट कर रहे हैं कि जब गुड्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये तो इम्पोसिबल टू परफॉर्म है अभी मैं आपको कैसे गुड्स अब शिप डूब गई तो कैसे तेरे को वो टीवी दू जित है मेरे को पचास टीवी चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया ना आप मेरे खिलाफ एक्शन ले सकते पचास टीवी मांग सकते ना मैं आपके खिलाफ एक्शन ले सकता कि भैया पचास टीवी का पैसा दे कोई पार्टी किसी पार्टी के खिलाफ एक्शन ले सकती सेक्शन सेवन और सेक्शन एट तो कंपेयर करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से तो ये वेरी मच सिमिलर टू सेक्शन 56 है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस तो दोनों में कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा वाइड नेचर का और लास्ट इंस्टेंस असरटेनमेंट ऑफ प्राइस सेक्शन नाइन और सेक्शन टेन अब आमतौर पर जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है तो उसमें पार्टीज की जवाबदारी होती है कि प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है वो डिटरमाइन करती है तो जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को डिटरमाइन करती है तो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कौन होता है या तो सेलर या बायर तो जब आप गुड्स खरीद रहे हो बेच रहे हो तो प्राइस डिटरमाइन करने का अधिकार किसके पास है सेलर और बायर के पास है तो मिलकर डिसाइड करते हैं कि भैया ये पेन अपन ने मिलकर डिसाइड किया ना आठ हजार डिसाइड किया तो वही प्राइस होता है लेकिन कई बार जब आप गुड्स को बेचते हैं तो आपको पता नहीं होता कि ये चीज की कीमत कितनी है जैसे ही मैंने बोला भैया ये पास कराने वाली पेन है इसकी क्या कीमत होनी चाहिए अब आपको भी नहीं पता मेरे को भी नहीं पता कुछ सड़क में आपको चमकती हुई चीज मिली अब आपने उठाया मैं बोला चलो मैं खरीद लेता हूं पर अब वो चीज की कीमत क्या है वो आपको भी नहीं पता मुझे भी नहीं पता तो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट आपस में कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल परचेज तो कर लेती है आप बोलते हैं सर ये पेन हम आपसे खरीदेंगे मैं बोलता हूँ ठीक है मैं ये पेन आपको बेचूंगा लेकिन कितने में खरीदेंगे बेचेंगे ना दाम आपको पता ना मुझे पता वो चमकती हुई चीज मैं आपको बोला मैं आपसे खरीद लूंगा आपने बोला हाँ सर हम आपको बेच देंगे कॉन्ट्रैक्ट और सेल परचेज आपने बीच में हो गया लेकिन प्राइस मैंने बोला बाद में देख लेते हैं यार तो उसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो अब ऐसे केस में अगर प्राइस इज टू बी डिटर्म थर्ड पार्टी तो वो कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस क्या होगा वही प्राइस होगा जो थर्ड पार्टी बोलती है और अगर थर्ड पार्टी कुछ नहीं बोले तो हेलो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल है अगर थर्ड पार्टी भी वो प्राइस को डिसाइड नहीं कर पा रही है कि जो वेलुअर के पास जब मैं गया था बताने के लिए कि भैया बता इस पेन की कीमत बोलते क्या नया पेन है कोई भी एग्जाम लिखो पास हो जाते हैं इसकी कीमत तो मुझे समझ में नहीं आ रहा बोले क्या चमकती हुई चीज लाया भाई इसकी कीमत ना समझ नहीं आ रहा मेरे को इसकी कीमत क्या कौन बोल रहा है वेल्वर. तो अगर वेलवर ही नहीं बता पा रहा है प्राइस तो अभी सेलर बोलता है हाँ बस मेरे को पता ही था ये बेस कीमती चीज है जब वेल्वर भी इसकी कीमत नहीं निकाल पा रहा है कम से कम एक करोड़ की तो होगा आप तेरे को एक करोड़ देना पड़ेगा क्योंकि तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो हो गया था आपके मेरे बीच में तो एज अ बायर उंड टू पे मी वन करोड़ पहले ही बोला था इतनी फालतू चीजर की भी कीमत नहीं बता पा रहा है। दो लाख की चीज होगी चीज हमको दे दो बोला, नहीं यार कुछ तो बात है वेलवर भी कीमत नहीं निकाल पा रहे मतलब ये गुड्स की कुछ तो बात है मैंने बोला मैं बेचना नहीं चाहता आप बोलते नहीं नहीं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ था अब आप मना नहीं कर सकते सेलर अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट

तो अगर वेल्वर नहीं डिसाइड करेगा तो जज डिसाइड करेगा वो जज का काम है लेट द जज डिसाइड चीज की कीमत क्या? बट गुड्स वापस नहीं आएगा करेक्ट और उसी इंस्टेंस पे कल को अगर साबित होता है कि वेल्वर जो प्राइस डिटरमाइन कर रहा है वो इंफ्लुएंस्ड है बाय वन ऑफ द पार्टी तो अदर पार्टी कैन अवॉइड जैसे आपके और मेरे बीच में पहले ही बात हो गया था कि अपन कल जाएंगे वो गुड्स का वैल्यू वेल्वर से कराएंगे और वेल्वर जो दाम बोलेगा वो आपको भी मंजूर होगा मुझे भी मंजूर होगा ये अपन ने कॉन्ट्रैक्ट किया था अब मुझे पता है किस वेल्वर के पास जा रहे हो तो मैंने 10 बजे रात को, उस वेल्वर को फोन किया कॉल वेल्वर मैंने वेल्वर को फोन किया और उसको क्या बोला कल सुबह ग्यारह बजे हम लोग आ रहे हैं एक नायाब चीज लेके अगर उसकी कीमत तूने एक करोड़ से कम बताई ना तो सोच लेना शाम को फिर मिलूंगा तेर से अब वेलवर बोलता है यार ये तो अच्छी दादागिरी है तो अगले दिन सुबह ग्यारह जब बायर और सेलर दोनों गए, साहब ये गुड देखिए कितने का है और उसी बीच में सेलर ने अपना फोन कॉल हिस्ट्री भी रख दिया था वेलवर को दिखे टाइप का मैंने ही फोन किया था तो वेलवर बोलता है एक करोड़ का होगा ये वेलवर ने कीमत बता दी एक करोड़ चलर बायर को बोलते लाओ भी है, एक करोड़ एक करोड़ की चीज है अब बायर बायर भी वो फोन लिस्ट देख लेता है। बायर क्या कॉन्ट्रेक्ट और नॉट यस yes. अभी वेल्वर ने एक करोड़ कीमत बताई लेकिन यू कैन कॉन्ट्रैक्ट उल्टा बायर को पता चल चुका था वेलवर कौन है तो रात के दस बजे बायर ने फोन लगाया कॉल वेलवर और उसको बोला कल सुबह ग्यारह बजे आ रहे हैं नायाब चीज लेके अगर दो लाख से ऊपर तूने उसका दाम बोला ना तो शाम को फिर आऊंगा तेरे से मिलने डिस्कनेक्ट अब बताओ बोलता है यार ये अच्छी दादागिरी है इधर सेलर फोन करता है इधर बाहर फोन करता है फिर ग्यारह बजे पहुंचे अब सेलर बोला साहब ये देखिए एकदम नायाब चीज है इसकी कीमत क्या होगी अब फालतू चीज है दो लाख रुपए से ऊपर की नहीं होगी वेलवर ने कीमत बता दी दो लाख

Hello, it's me. Thank you.